वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी का व्लॉग पार्ट टू, क्योंकि उस दिन पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था और सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने देखिए ये मंदिर में इस तरीके से जो है यहाँ पे पर्दा वगैरह लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना स्माइली ने बहुत ज़्यादा गंदा कर दी थी। पूरी जो वॉल है, दीवार है, उस पर कलर वगैरह लगा दिया है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, साइड में देखिए एक जगह लगा भी दिख रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है, मैंने कहा किस तरीके से डेकोरेट करें मंदिर को, तो फिर मैंने यहाँ पे ये कलरफुल चुनरी रखी थी मेरे पास, वो मैंने लगा दी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है, देखिए पोछा लगाया, और उसके बाद यहाँ पे आटे से चौक पूरा है, और चौक पूरते देर नहीं हुई, मैं थोड़ा सा सामान लेने चली गई, इतने में स्माइली ने उसको मिटा भी दिया है। तो मैंने उसको ठीक कर लिया है फिलहाल अभी। तो यहाँ पे आटा और हल्दी से जो है मैंने चौक पूरा है, फिर यहाँ पे मंदिर का जो भगवान जिस पे बिठाते हैं वो पटला रख लिया है, उसके ऊपर एक मंदिर का पूजा वाला कपड़ा रखा है, और यहाँ पे मैंने भगवान जी जो है राधे कृष्ण की ये बड़ी फोटो थी मेरे पास, ये मैंने रख ली है, और एक छोटे से झूले में भी कृष्ण जी हैं, तो उनको भी साथ में यहाँ पे रख लिया है। सारे मंदिर के बर्तन भी साफ करके रख लिए हैं, और अब ये फूल जो मंगवाए थे मैंने दोपहर में, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया था धो के फूलों को, और अब मैं यहाँ पे फूलों से थोड़ा सा रख देती हूँ, सजावट कर देती हूँ। और स्माइली को देख रहे होंगे आप लोग, ये बस पूजा करने में बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत ज़्यादा, और अपने मन की चलाती है ये बस। तो बाकी सारी तैयारियाँ मैंने देखी यहाँ पे कर ली है, बड़ा वाला दीपक भी उठा लिया है, रख दिया है मंदिर में, और ये जो जोत है वो रात भर जलेगी, बड़ी वाली दीपक जो है। तो इस तरीके से मैंने अपने यहाँ पे मंदिर जन्माष्टमी की जो है तैयारी कर ली है। और सारी तैयारी करने के बाद अभी पूजा में तो टाइम है, क्योंकि जन्माष्टमी की जो पूजा होती है वो रात के 12 बजे ही होती है, मतलब एक घंटे पहले, लेकिन मैं स्टार्ट कर दूंगी, फिर कथा वथा पढ़ूंगी, तब तक जो है टाइम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने इस तरीके से जो है मंदिर अपना सजा लिया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए मोर के पंख वगैरह जो है वो रख लिए हैं, ये आज के दिन खरीदे जाते हैं, रखे जाते हैं मंदिर में, बहुत शुभ माना जाता है मोर के पंख रखना। साथ में ये पूजा का जो प्रसाद है वो भी बनकर तैयार हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, ये तो पहले आएगी, यहाँ भगवान को पीठ दे के नहीं बैठती, तो अभी हम लोग 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं थोड़ा। तो ये देखिए मेरी पूजा की सारी तैयारी जो है मैंने कर ली है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपने देखा ही है कि मैंने पहले वो चौक बनाया जो आटे का, वो भी इसमें बटा दिया था, और पूजा में इतनी इतना ज़्यादा मैं आधी चीज़ें तो भूल जाती हूँ, इसकी वजह से बहुत परेशान करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने फ़िलहाल पूजा अभी बस शुरू करने वाली हूँ मैं, 10 मिनट बाद मेरी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। सारी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं, और सब लोगों ने खाना खा लिया है, मेरा तो फास्ट है, तो मैं तो पूजा करके खोलूँगी अपना व्रत। बाकी पापा ने और स्माइली के पापा ने, इन लोगों ने खाना खा लिया है सब ने, और मैं फ्री होकर के जो है बैठी हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात भी हो जाएगी, और एक्चुअली कान के आप लोग दूसरे को उतार दिए हैं, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा मतलब वेट वाले थे, आपने देखा कि सुबह से मैंने पहने थे तो मेरे कान दर्द हो रहे थे, तो मैंने उसको उतार दिया है, फिर गोल्ड के अभी रखे हैं, मैंने ध्यान नहीं मिला मुझे पहनने का। तो ये देखिए मेरा मंदिर, हटो मंदिर देखने दो सबको, हटो, ये देखिए ये मेरा मंदिर मैंने यहाँ पे ऐसे तैयार किया है, सबको मंदिर देखने दूर हो जाओ। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ देखिए हो चुकी हैं, फल वगैरह चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे ये प्रसाद भी जो है बना के मैंने रखा हुआ है। तो अभी भोग लगाऊंगी, जब भगवान जी का जन्म हो जाएगा उसके बाद जो है भोग लगेगा, तो बस सारी तैयारियाँ होगी, बेटा उसमें पैर लग जाएगा, इधर हो जाओ। तो चलिए मैं ना थोड़ी देर में अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ, और आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूँगी, देखना आप लोग कैसे पूजा करती हूँ। तो बस अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पूजा, क्योंकि फिर कथा वथा पढ़ूंगी और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा देर पहले से मैंने स्टार्ट कर दी है,
और क्योंकि जब 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है उस टाइम पे सिर्फ उनको नहलाना और आरती वारती करना ये सब काम जो है वो बाद के लिए रखते हैं। तो अभी हम पूजा जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जोत जला दी है बड़ी वाली, और देखिए मेरी पूजा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ना कथा के लिए किताब नहीं थी, मैंने कथा पढ़नी थी जन्माष्टमी की, तो किताब थी नहीं मेरे पास, तो मैंने फ़ोन से जो है मोबाइल में कथा जो है मतलब पढ़ी थी मैंने, उसमें से इमेज डाउनलोड करके। पर देखिए कथा वथा पढ़ने के बाद 12 बज गए हैं और कृष्ण जी का जन्म जो है वो हो गया है। तो ये खीरे में वैसे रखा जाता है लड्डू गोपाल को, लेकिन मेरे जो कृष्ण जी है ना वो झूले में अटैच हैं, तो इसलिए मैं उनको अलग से नहीं रखा है। खीरा मैंने जो है उसमें सफ़ेद धागा बांध के उसको काटा है, तो बोलते हैं ये नड़ा काटा जाता है, कुछ इस तरीके से बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए चरणामृत से सबसे पहले भगवान को नहलाया, फिर शहद, उसके बाद पानी। तो जो ये पानी है उसको हम जो है अपने चरणामृत में डाल देंगे तो ये हमारा जो है प्रसाद बन जाता है। तो और उसके बाद देखिए अब भगवान जी को झूला झुलाया जाएगा, जन्म हो गया है कृष्ण कन्हैया का। तो यहाँ पे हमारे भगवान जी कान्हा जी जो है झूला झूल रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो ये झूले में लेकिन अटैच है भगवान जी, इसलिए मैं इनको अलग से नहीं निकाल पाई हूँ। तो बस अब इनको मैंने मिश्री का जो है भोग लगाया है। बोलते हैं भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है, तो माखन तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मैंने मेरे पास मिश्री थी तो मैंने मिश्री का भोग लगा दिया है यहाँ पर। और भगवान जी को सबको तिलक लगाया है और ये पंच मिठाई है, जो पांच मिठाई होती हैं उनको मंगवाया है। तो ये पंच मिठाई, पंच मेवा और चरणामृत, मिश्री, इन सब का जो है भोग लगाया जाता है। खीरे का तो खीरा तो जो है हमने काट ही लिया है। और यहाँ पर देखिए सब मैंने जो प्रसाद है वो भी भगवान जी को चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ हवन, और मुझे इस तरीके से ही मतलब पता है पूजा ऐसे ही मेरी मम्मी वगैरह करती थी, तो मुझे इसीलिए पता है कि ऐसे करी जाती है, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ पूजा। बट कुछ ना कुछ हम लोग भूल भी जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि भूल भी जाते हैं। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। तो यहाँ पर देखिए मेरी आरती भी जो है वो हो गई है, और आरती में मैंने घंटी वगैरह कुछ नहीं बजाई है क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है वो सो गए थे, तो मैं इसलिए देखा होगा आपने बहुत ज़ोर से आरती भी नहीं गाई है, तो थोड़ा धीरे धीरे ही आरती गाई है, घंटी वगैरह नहीं बजाई है। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा जो है वो समाप्त हो गई है, और मैंने जो है ये लास्ट में जो है लोटे में जो पानी रखा रहता है ना उससे इसको चाहती मतलब तीन चार बार ऐसे घुमाया जाता है, वो किया जाता है पूजा, कोई भी पूजा करने के बाद। और उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं स्माइली को दे रही हूँ प्रसाद, क्योंकि ये कन्या है। तो और यहाँ पे देखिए ना कोई गाय वाय कुछ भी नहीं है, मुंबई में यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा मिलता है कोई भी व्रत होता है, तो बस स्माइली को ही खिला के मैं अपना जो है खोल लेती हूँ कोई भी व्रत, क्योंकि यहाँ पे गाय वाय कुछ है ही नहीं आसपास में कि गाय को खिलाया जाता है सबसे पहले, बट ऐसा नहीं है। तो मैंने स्माइली को ही यहाँ पे जो है प्रसाद खिला दिया, सबसे पहले कन्या को ही भोग लगा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है, अब मैं जो है अपना खाना वाना खाऊंगी। प्रसाद सबसे पहले स्माइली को दे दिया है मैंने, और पूजा होने के बाद मेरा मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और जहाँ पे भगवान वैसे भी जहाँ पे भी हम पूजा करते हैं भगवान जी बिठाते हैं वहाँ पे वैसे ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा मंदिर है, आप लोगों को कैसा लगा मेरे जन्माष्टमी का व्लॉग आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके,
कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मतलब ये चुनरी वगैरह रखी थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ, तो मैंने इस तरीके से ऐसी लगा लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरी पूजा देखिए हो चुकी है और टाइम देखिए कितना हो रहा है, टाइम हो चुका है 1:15 बज गया है, तो 1:15 बज गया है क्योंकि पूजा वूजा करी काफ़ी टाइम हो गया। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, अपना व्रत खोलने के लिए। तो ये देखिए, ये मैं बैठ गई हूँ अपना खाना लेकर के। सबसे पहले मैंने प्रसाद लिया है, चरणामृत और पंजीरी, सबसे पहले प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद जो है खाना खाऊंगी। और खाना तो कम ही खिलेगा आज क्योंकि व्रत वाले दिन कम खाना ही खपता है हमेशा। तो मैंने कहा चलो मैं व्रत खोलने से पहले आप लोगों से जो है वीडियो में बाय कर लूँ, अपना वीडियो यहीं पर स्टॉप कर लूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धीरे धीरे दद्दू सो रहे हैं बेटा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक बटन को भी प्रेस कर देना और घंटी भी दबा देना। तो आप लोगों ने सब सुन लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरी नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।